हेलो साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि यह हिंदी का सेकंड हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द विस्तार का निम्नलिखित में से आप विलोम शब्द बताइए। ध्यान दीजिए, जल्द से जल्द इसका आंसर गैस करिए, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप। संक्षेप हमारा विस्तार का, काफ़ी बच्चे जान गए होंगे कि संक्षेप हमारा विस्तार का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विलोम शब्द ये भी है एकाधिकार। एकाधिकार का विपरीत अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। जल्दी से आप इसका ऑप्शन गेस करिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द विपरीत अर्थक तीव्र शब्द का भी विलोम आप बताइए। विलोम शब्द आपको वहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने विलोम शब्द तीन ले लिए, ज़्यादा ले लिए, क्योंकि रोज़ आपको हम दो से तीन कराएंगे तो आपकी हैबिट लग जाएगी और आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तीव्र का विलोम शब्द कौन सा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंद। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ाना वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सीबीएसई के एग्ज़ाम 28 से 31 तक होने हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास। आपके यहाँ समास, अलंकार वगैरह सब देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं। चौथे का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास हमारा प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। ये जितेंद्र, ये जो है इसमें हमारा, ये इसमें कौन सा समास है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा समय ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए इसका सही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर छठा, निम्नलिखित शब्द के लिए इसमें भी आपको समास देशमुख, इसमें आपको समास बताना है क्या होगा, दशमुख। बहुत लोग जान गए होंगे इसमें हमारा कौन सा समास है, बहुव्रीहि। दोस्तों, बहुव्रीहि की एक छोटी सी ट्रिक भी है कि जैसे भी आपको पता लगे कि ये जो चीज़ है हमारी कल्पना से बाहर है या भगवान से रिलेटेड है, ठीक है, दशानन ऐसे कुछ करके आए, तो दशानन रावण को कहते थे, जैसे भगवान जी का कुछ है पीताम्बर, ये भी पीताम्बर जिसका क्या बोलते, शिव, अरे विष्णु भगवान, तो ऐसे आपको जैसे आते हैं तो आप में इसमें बहुव्रीहि ही लगाना है। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देवासुर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ठीक है, लेकिन देवासुर कोई असुर नहीं था, इसमें दोनों वर्ड हमारे प्रधान हैं, देव असुर, ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब ही होता है दोनों वर्ड जो प्रधान हो। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से, मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, पर्यायवाची आपको वहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए पर्यायवाची शब्द आप एकदम रट के जाएं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं, जितने भी मैं कराता हूँ वो तो आप बिल्कुल पढ़ते ही जाएं, अपनी तरफ से पढ़ें, ठीक है। तो पर्यायवाची प्रसून बहुत अच्छा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प को हम प्रसून भी बोलते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है कि हिंदी के आज मैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के आज मैं दो सेट डालूंगा। कल एक डाला था, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन डालिए, एक वीडियो में मैं अगर 50 क्वेश्चन ले लूँगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए दो वीडियो डालूँगा। आज अभी एक अभी डाल रहा हूँ और एक दो घंटे बाद डालूँगा, जब ये लोग सभी देख चुकेंगे उसके बाद हम वो वाला वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। मुझे लेकिन इस 25 क्वेश्चन है, हिंदी के 16 लिए हैं, ठीक है, हिंदी के इंग्लिश के 9 लिए हैं, तो मुझे इनमें अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे 16 में 9 10 सही हुए और 9 में इंग्लिश में मेरे 9 सही हुए, ऐसा कुछ करके मुझे जो भी आपका स्कोर हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसलिए कमेंट करके बताएं कि मैं उन क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपकी डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ा सकूं, ठीक है। तो चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि, यानी कि हम निम्नलिखित में से ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं उसमें आपको शुद्ध, यानी कि जो बोलने की भाषा में शुद्ध वर्ड होता है वो कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, यानी मृत्युंजय है जो, वो कौन सा शुद्ध है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय, ठीक है। छोटे यू की मात्रा पहला भी सिमिलर है बट उसमें बड़े यू की मात्रा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। जल्दी से इसका ऑप्शन गेस करिए, काफ़ी बच्चे जान गए क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें भी आपको सही वर्तनी बतानी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे जान गए होंगे कि हमारा 11 का डी सही होने वाला है, शताब्दी, क्योंकि काफ़ी ये छोटी छोटी गलतियां आप वहाँ एग्ज़ाम में कर आते हैं तो आपको वहाँ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ आप कोशिश करिएगा कि पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, क्यों, क्योंकि आपको माइनस किसी भी प्रकार की हाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें लिखा है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया संधि विच्छेद, संधि विच्छेद वातानुकूल, वातानुकूल को हम संधि विच्छेद में, जल्दी से इसका सही करिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाता प्लस अनुकूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आप संधि विच्छेद करिए प्रत्येक क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हमारा प्रति प्लस एक, काफ़ी इजी भी था, ठीक है। काफ़ी अच्छे, काफ़ी बच्चे इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे तो उम्मीद है कि इसमें 16 में से 16 बहुत ही बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेरे 16 ही क्वेश्चन सही थे, ठीक, क्योंकि यह लेवल बिल्कुल आपको सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट वाला मैंने लिया है, इसी टाइप के वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि इसमें अनेकार्थी शब्द जो बोला गया है इसके लिए एक शब्द आप बताइए जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। अकिंचन बोलते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, इसके लिए हमारा एक शब्द, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांझ। अगला क्वेश्चन, अंगूठी का नग होना, यह हमारा मुहावरा है, काफ़ी अच्छा मुहावरा है, जल्दी से इसका ऑप्शन गेस करिए। सही हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुत कीमती। दोस्तों हमारा हिंदी का जो सेक्शन था वो यहीं समाप्त होता है, इंग्लिश का सेक्शन इसके आगे है, वेट करिए। इंग्लिश के सेक्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं, आप उनके आंसर ज़रूर बताइएगा कि 10 में मेरे कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। और हाँ, हिंदी का वेट करिएगा, अभी 1-2 घंटे के बाद मैं हिंदी का दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप नॉलेज सर्कल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच सके, ठीक है। और इस वीडियो की PDF की लिंक, PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल है तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको हम ये सारी PDF वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ये PDF आपको शाम को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं रहता है तो मैं वीडियो देख नहीं पाता, उससे पहले मुझे आंसर पता हो जाते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल है तो आप टेलीग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो हमारे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप पॉज करके थोड़ा समय ले सकते हैं, मैं ज़्यादा अब रुकूंगा नहीं। सी डजंट नो द रीज़न फॉर हिज डिसअपीयरेंस। अगला क्वेश्चन, इसको हमें
अरेंज करना है सही उस पे, तो जल्दी से इसे अरेंज करिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पहले नंबर पे एक आएगा यानी हेल्प, दूसरे नंबर पर आएगा डी, ठीक, तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, दूसरे नंबर हेल्प, फिर यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। इसका जो हमारा एक्टिव पैसिव से है वॉइस है, तो हम इसका नीचे कौन सा वॉइस आएगा, आप वीडियो पॉज करिए, मैं लेकिन आंसर बता रहा हूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हाउ मच ए मंथ डू दे पे यू। अगला क्वेश्चन, ओपन द डोर, इसका भी वॉइस बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट द डोर बी ओपन। अगला क्वेश्चन, बिकॉज ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ही ऑलवेज, इसको हमें पूरा वाक्य बनाना है, यहाँ से कौन सा वाक्य इसमें फिट होगा, ठीक है। अब ऑप्शन चारों पढ़िए पॉज करके, लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही ऑलवेज रिकाउंसिल्स विद द मेजोरिटी व्यूज एंड गिव्स अस हिज ओन, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद ए या एन ग्रीन, ये जो खाली स्थान है इसमें से भरना है। द बॉडी क्विकली स्लिप्ड द कैंडली इन टू हिज पॉकेट विदाउट हिज मदर्स लैंग्वेज, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफरस। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि इस वर्ड के लिए आपका, जैसे उसमें मैंने बोला था कि जो निसंतान हो स्त्री उसे क्या बोलते हैं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसके लिए एक आंसर है हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टिकलर। अगला क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगे। बारबेरियन की हमारी सही स्पेलिंग कौन सी होती है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, बारबेरियन, जो हमारे क्लैश ऑफ क्लैन काफ़ी कैंडिडेट खेलते होंगे तो वो ज़रूर बता देंगे कि बारबेरियन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन, वेंट, वेंट का सिनोनिम्स ज़रूर बताइए, जिसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओपनिंग। नहीं, हम बोल देते वेंट ओपनिंग, अरे सॉरी, उस होटल का वेंट है, वेंट वेंट उसमें जाना है मुझे, इसलिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। और आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, सिस्टमैटिक एंटोनियम अपोजिट, यानी कि सिस्टमैटिक का एंटोनियम या अपोजिट वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायजोग्रेनाइज्ड। थैंक यू।